दोस्तों कई बार क्या होता है एडिटिंग ऐप काई मास्टर में प्रॉब्लम आ जाता है, टेक्निकली फॉल्ट आ जाता है, तो हमारा फोन में ना कभी कभी खुलता नहीं होता। जब हम ओपन करने जाते हैं तो टेक्निकली फॉल्ट की वजह से वो काई मास्टर फिर हमारा फोन की मेन मेनू में बैक कर देता है। ये प्रॉब्लम कई बार होता है और आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। एंड ये चीज अगर मैं आपको बताऊं, काइन मास्टर महीने में दो महीने में कभी कभी अपडेट आता है। एक्चुअल में काइन मास्टर का जो डेवलपर लोग होता है ना, वो नया नया डिवाइस के लिए अपना काइन मास्टर को अपग्रेड कराते हैं, पुराना डिवाइस को छोड़ देते हैं, तो वो जो वर्जन है वो कुछ डिवाइस में काम नहीं करता है अपडेट होने के बाद। ये प्रॉब्लम है, ऐसे में बहुत टाइम आपका वेस्ट होता होगा। आज मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिससे ना लाइफ टाइम के लिए आप ये ट्रिक का अगर याद रखोगे तो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और कई बार ये चीज होता है, मैं अपना साथ भी होता है, कुछ चीजें हमने एडिटिंग करके रख ली और उनका बाद जो है काइन मास्टर ओपन ही नहीं हो रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। मेरा एक दोस्त है ब्लॉग बनाता है, दो दो वीडियो एडिटिंग करके रखा था और उनका काइन मास्टर भी नहीं चल रहा है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारा साथ में। तो क्या कर सकते हैं, अभी तक आप एक्सपोर्ट करके रख लो, मान लीजिए आज थोड़ा सा आप एडिटिंग कर लिए और एक्सपोर्ट कर दो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बात है मेन मुद्दे में, तो मैं आपको आसान भाषा में एक चीज आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, छोटा सा वीडियो है, पसंद आता तो लाइक कर देना। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में जाइए, गूगल क्रोम ब्राउज़र ऑब्वियसली, एंड वहाँ पे आपको टाइप करना है काइन मास्टर मॉड एपीके। जैसे ये टाइप करोगे एपीके डांस से वेबसाइट से आपका एक ए वाला पेज खुल जाएगा, सिंपली उसमें टाइप कीजिए, देन आपका पूरा भर की काइन मास्टर का जितना भी एप्लीकेशन है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जितना भी लेटेस्ट है, जिससे भी लेटेस्ट है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड हाँ, कुछ कुछ डिवाइस में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना प्रॉब्लम हो सकता है, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड दिखा सकता है, उसमें आपको घबराना नहीं है, सिंपली आप अपना फोन का जो पुराना काइन मास्टर है उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए, नया वाला इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम वही है, जो भी आप वीडियो एडिटिंग करके रखे थे वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। बट डायरेक्ट इंस्टॉल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद जय भारत।